हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल है। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग के साथ। सुबह सुबह के टाइम उमर शरीफ के साथ हाजिक दो दफा हुआ है, अभी आ रहा है, उसने सुन लिया है। ये मैं बताया नहीं, ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बताया यार, मैंने कहा तेरे बिना आज स्टार्ट करते हैं। तेरे बिना भी स्टार्ट करना चाहिए ना हम लोग। गाइस, फिर से क्रिकेट व्लॉग आ चुका है, जो कि संडे व्लॉग नहीं है, ये है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो अभी हमने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है क्रिकेट का, फिर से एंजॉय होने वाला है हमारा। तो आप भी परेशान हो रहे होंगे, हर बार क्रिकेट का लेके मुंह उठा के आ जाते हैं। तो गाइस क्या करें, हमारी एक्टिविटीज ही ऐसी हैं कि हमें जब भी छुट्टी मिलती है हम क्रिकेट ही खेलते हैं। क्रिकेट इज माय लाइफ। क्रिकेट इज आवर लाइफ। इज माय लाइफ। इज आवर लाइफ। इज माय लाइफ। तू मरियो हो या ना, हमें तो है। अच्छा, बैटिंग करने मिलती। अरे ये तो धोती खोल रहा है। तो अभी टॉस हो रहा है हमारा, पिच लग रही है, तो क्रिकेट स्टार्ट करते हैं, उसके दौरान फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हमारा तो आज मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड का मैच है मेरे ख्याल इसकी अफ्रीका के। पिच हमारी लग चुकी है, इस टाइम विकेट भी लग गई है, तैयारियां हो चुकी हैं। कप्तान साहब गए हैं टॉस कर रहे हैं, वो लाल टोपी वाले मरासी। तो हाजिक प्रैक्टिस कर रहा है कि मैंने कितना बार जाके खेलना है विकेट से, वो उतना ही गैप दे के खड़ा हुआ है। ये विकेट, ये गैप, शॉट मारते हुए इतना ही बाहर जाएगा। ले जी, हमारा मैच शुरू हो चुका है, हाजिक ने पहला बॉल करवा दिया है। तो अभी हमारी वो विकेट लगी है सामने, ये जो फाइव टे डबला खड़ा है उसके पीछे, तो इसको खड़ा है बड़ा किस्म का छक्का। और वो उमर शरीफ खड़ा हुआ है फील्डिंग करते हुए चिट्टे के पीछे, कालू। तो मिलते हैं दुराने, वो बॉल करा रहा फील्डिंग आगे। बाबूजी पहले इनिंग्स हो गई है समाप्त, हमें बहुत ही धुलाई हुई है, चेहरे लटके हुए नजर आ रहे होंगे, इनकी कुट्टे वाली हुई है अच्छी खासी। मुझे पड़ा है तकरीबन ज्यादा नहीं तो सिर्फ 5 छक्के पड़े होंगे 3 ओवर में, पर 3 विकेट हैं। इसको इतना जलील किया है ओपनर, कैप्टन हुआ, कैप्टन ने मुझे ओपनर भेज दिया। जमीरे वो आ रही ना अभी लिया कर। बाबा जी हमें 248 चेज करना है, अब देखते हैं अल्लाह हमारी साथ दी, हम जीत जाए, मेरा 100 करवा दे आज, मैं 10 रुपए फकीर को दूंगा। चल झूठा, इसने सेंचुरी मारने के बाद फकीर को 1 रुपया नहीं दिया। मैं बोल रहे हैं हमारी बैटिंग लाइन बाकी है, मेरा असली कवर करेगा पीछे बैठा हुआ। मैं तो आउट हो गया 2 छक्के लगाने के बाद। अब हाजिक बैटिंग करने आया, 3 छक्के लगा चुका है जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे। अब देखते हैं क्या करता है वो लड़के, तेरा कैच हो गया यार, जबरदस्त कैच लड़के। ये होती है फील्डिंग हमारी तरह, नहीं इनकी तरह कैच छोड़े। उमर भाई की बैटिंग आ गई है जी, देखते हैं अभी क्या करते हैं। मिनटे कर करके, भीख में मांग मांग के, तरले करके, पाँव पकड़ के, ये वाले पाँव। बैटिंग आ चुकी है, पहली बॉल, वो वाह क्या बात है, मिस बॉल, कवर ड्राइव, ओ सॉरी कट शॉट। उमर भाई हमारे सीनियर बैट्समैन, सारी उम्र क्रिकेट इन्होंने पीछे बैठ के देखी है, गजब बेइज्जती है। अब बैटिंग आ गई है, देखते हैं क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। यार क्या बात है लड़के, तेरी कट उधर ही पड़ी है। मोस्ट सीनियर बैट्समैन कालू मदारी के सामने है छोटा सा बच्चा, पाकिस्तान की शर्ट पहन के वेस्ट इंडीज को बोल करा रहा है। ओ वाओ क्या बड़ा ब्यूटीफुल छक्का। नहीं नहीं नहीं, उसकी विकेट खराती है, लेनी है भाई। टीम ने बहुत बेहद अंतक मेहनत की थी, मैच हार चुके हैं, लेकिन 200 स्कोर हमने कर लिया। 248 करना था लेकिन 200 हमने किया, इतनी कोई गंदी हार नहीं हुई जिस दिन इसकी शक्ल नजर आ रही है भाई। 6 साल बाद इसको बैटिंग मिली थी, उसमें भी दूसरी बॉल पे आउट होके आ गया, इसलिए मुंह देखो क्या बना लिया। शुक्र मना कि तुझे पहली बॉल जो तूने रोक ली और दूसरी पे आउट हुआ, इज्जत बच गई कोई। और सामने बच्चा बोल कर रहा था, ये भी देख, काइंडली इंफॉर्मेशन, काइंडली चेक कर,
काइंडली इंफॉर्मेशन, काइंड योर इंफॉर्मेशन, काइंडली हो या काइंडली इंफॉर्मेशन भाई, इसके बाद डिग्री है बताइए 14-15 साल तक की। हां है। कितनी? 14-15 साल। 14-15 साल का तो है। कह रहा हां मेरी है। तो बड़ी खुशी से लूज दिस मैच, मैं पूरे ग्लव्स जब पहन के गया था, दो छक्के मारे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी विकेट लूज हो चुकी थी इसकी बदवाओं की बदौलत। भाई ने 200 चेज करना था और ये फाइनली चेज कर बैठे हैं। थैंक यू दोस्त। सबसे बड़ी बात है कि हमारी टीम ने 200 की है, बड़े अरसे से 200 नहीं कर पा रही थी, तो चेज करते हुए 200 किया था। खैर मैच खत्म हो चुका है, तब ब्लॉग का भी एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इसको लांते डालते रहे और शट अप।